वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक. जी सर, क्रॉस टॉक में चलते हैं वन वर्ड फॉर वन पर्सनैलिटी. तो मैं वन बाय वन पर्सनैलिटीज के नाम लिए जाती हूँ और आप उनके लिए एक जुमला बोल दीजिएगा. सबसे पहले शेख रशीद साहब. गुड स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट. हाँ. सैयद यूसुफ रजा गिलानी. वेरी पोलाइट एंड हम्बल. परवेज मुशरफ साहब. गुड एडमिनिस्ट्रेटर. शेरी रहमान अगेन रिप्रेजेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टीज केस इन अ गुड मैनर. पीपल्स पार्टी. सही. साद रफीक साहब जियाला ऑफ PMLN. मरियम औरंगजेब. स्पोक्स पर्सन जो उनको कहना चाहिए वो ठीक कहती हैं अपनी पार्टी के लिए. सर, बड़े मैनरेबल तरीके से आप जा रहे हैं. पता चल रहा है स्कूलिंग कॉलेज सब बेहतरीन है, नहीं तो आमतौर पर इतने मैनर्स के साथ कोई नहीं चलता. हमसे शहबाज शरीफ साहब. अपनी पार्टी की नई कयादत. सही. शहबाज शरीफ. इमोशनल पर्सन. नवाज शरीफ. PMLN का वोट लाइज विद नवाज शरीफ, मेरी ये राय है. कैप्टन रिटायर्ड सफदर. गुड सन इन लॉ. ओबीडिएंट सन इन लॉ. वो सिर्फ एक बेहतरीन दामाद ही है. कोई और क्वालिटी नहीं. गुड सन इन लॉ. मरियम नवाज साहिबा. नाइसली डिफेंडिंग हर फादर्स केस. बिलावल भुट्टो जरदारी. पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं. हाँ. बेनजीर का रिफ्लेक्शन मरहुमा का मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का रिफ्लेक्शन दे सीन बिलावल. आसिफ अली जरदारी साहब. श्रूड पॉलिटिशियन. मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा. मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वर्ल्डली नोन पॉलिटिशियन. हमारे इमरान खान की तरह. बिल्कुल बेशक. अलीम खान साहब. गुड फ्रेंड एंड अ सिंसियर फ्रेंड. उनके बारे में अक्सर लोग यही कहते हैं, यारों का यार, सिंसियर दोस्त. गुड एंड सिंसियर फ्रेंड. सीएम उस्मान बुज़दार साहब. पोलाइट, धीमे, लेकिन प्रॉब्लम्स को समझने वाले एंड ट्राइज टू अकोमोडेट हिज कोलीग्स. चौधरी परवेज इलाही. सीजनड, रख रखाव वाले पॉलिटिशियन. जरताज गुल. क्लाइमेट चेंज के लिए वर्किंग वेरी हार्ड. शहबाज गिल. गुड स्पोक्स पर्सन. इमरान खान साहब. वंडरफुल पर्सनैलिटी. इमरान खान, देखें, पर्सनैलिटी वो होती है जो आपके अपने मुल्क की हदों को तोड़ के आप बाहर चले जाएं. बिल्कुल. चाहे आप अमेरिका देखें, कनाडा देखें, इमरान खान कहीं चले जाएं, लोग जमा हो जाएंगे और वो इमरान खान को वेलकम कहेंगे. ऐसा ही है. क्रिस्मेटिक, रादर आई वुड से अ लीडर विद क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, सॉफ्ट हार्ट. आहा, वेरी गुड सर. एक शॉर्ट से जुमले में आपने उनकी पूरी पर्सनैलिटी बयान कर दी. फवाद चौधरी साहब. फवाद चौधरी, गुड फ्रेंड, लॉयल पार्टी वर्कर और इनिशिएटिव्स पे अगर कोई काम कर रहे तो फवाद चौधरी इज वन ऑफ देम. डॉक्टर यास्मीन राशिद. बाहिम्मत खातून. और हमारी दुआ है अल्लाह उनको सेहत दे. सर, एंड पर पूछना चाहूंगी, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा. मैं कहूंगा कि वो इमोशनल तो हो जाती हैं कभी कभी. हाँ. बहुत ज्यादा कभी कभी. आजकल तो वो ज्यादातर इमोशनल ही नजर आ जाती हैं. बट शी नोज हाउ टू कैरी. जो उनका काम है, देखें वो क्रिकेट भी खेलती हैं, जूडो कराटे भी, कुछ 10-12 ईंटें भी उन्होंने तोड़ी थी ना. हाँ, बिल्कुल. और बॉक्स बुक्स भी चला लेती हैं तो. हाँ. ठीक है. सर, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा के बारे में कि वो फयाजुल हसन चौहान साहब का फीमेल वर्जन है. क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? मैंने इस बारे सोचा तो कभी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं तो शायद हो. सर, आपने हमारे इस सेगमेंट को बड़े ही तमीज़दार तरीके से वाइंड अप तक पहुंचाया और पता चला कि एक जाने माने और डटे हुए और मंझे हुए सियासतदान का आज हमने इंटरव्यू किया है. सर, आपसे जानना चाहूँगी, सियासत में तो आजकल बहुत ज़्यादा बदकलामी का इस्तेमाल होने लगा है,
आपसे मिलकर आपका इंटरव्यू करके बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि आप भी आज के दौर की सियासत का हिस्सा हैं? देखें, कुछ फैमिली की ट्रेडिशंस भी होती हैं, कुछ आपकी घर का अपब्रिंगिंग का माहौल भी होता है, कुछ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये भी होता है। तो मैं इस क्वालिटी से कासिर हूँ, हाँ बदतमीजी वाली क्वालिटी मेरे से नहीं होती जी, यानी ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी से कासिर। आई लैक दिस थिंग। सर, आपका तारीफ करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। सर, वाइंड अप पर, एंडिंग पर बात करेंगे हम आपकी वजारत के हवाले से फ्यूचर प्लान्स के बारे में। फ्यूचर प्लान्स के बारे में ये है, एक तो जो हमें 46 करोड़ का टारगेट दिया गया प्लांटेशन का, इंशाल्लाह जोरों शोरों से जारी है और 2024 में इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट करके अपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के आगे सुर्खरू होंगे, नंबर वन। नंबर दो, हमने बहुत सारे एरियाज़ को नेचुरल नेशनल पार्क्स डिक्लेयर किए हैं, जो जैसे हाँ, एक गुजरात में है, जेलम में है, चकवाल में है, फिर ये जो आपका सॉल्ट रेंज है, जब लाहौर से मोटरवे पे आप जाते हैं, हाँ सॉल्ट रेंज, उसको हमने नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का आप देखें पिछले 70 साल में कितने हुए हैं और हमने इन 2.5 सालों में कितने डिक्लेयर किए हैं, उसका ये है कि नंबर वन, जो स्पीशीज हमारी ख़त्म हो रही हैं हमने उनको रिवाइव करना है। अब आप बैठी हैं, आप मुझे ये बताएं, ऑनेस्टली मेरा आपसे सवाल है कि आपको जुगनू देखे कितना अरसा हो गया है? बचपन बचपन में देखे थे बस, अब खत्म हो गया है ना, बिल्कुल खत्म हो चुका है। गुलेरियां कम हो गई हैं, ग्रास हॉपर कम हो गए हैं, ये वो स्पीशीज हैं जो खत्म होती जा रही हैं। हमने इन स्पीशीज को जिंदा रखना है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अगर ये दुनिया में आई हैं तो इनका कोई ना कोई फायदा तो है, और बिल्कुल वो हमने अपने नेशनल पार्क्स और जो रिजर्व्ड एरियाज हैं उनके अंदर हमने इन स्पीशीज को बढ़ोतरी देनी है, और हमने वो एक जो नेचुरल एटमोसफेयर है वो उनके लिए क्रिएट करना है, और जो चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं, होने जा रही हैं, उनको। अब आप ये देखें कि आप फिर अगेन आई वुड से कि जब आप मोटरवे से कलर कार से आगे जाते हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद तो चक्री आता है। बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं, चक्री को दोनों साइडों से आप लेफ्ट राइट देखें, क्या 3-4 साल पहले आपको इतनी ग्रीनरी नजर आती थी? बिल्कुल भी ये नहीं। मेरी बात पे नहीं, आप प्लीज ये देखें। बिल्कुल आपको हमारा ये जो हमने इसको 3 हिस्सों में पंजाब को तकसीम किया है, एक वो हिस्सा है जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट, जैसे शुरू में मैं कह गया मरी और हाँ हमारा छोटा बिल्कुल एरिया है, फिर एक वो एरिया है जहाँ जहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं, जैसे सियालकोट है, नारोवाल है, लाहौर है, या हाँ हम और स्पीशीज लगा रहे हैं। फिर आप चले जाएं टूवर्ड साउथ, बखर, लैया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, जहां बारिशें थोड़ी होती हैं, जहां डेजर्ट ज्यादा हैं, बिल्कुल वहां हम वो वाली स्पीशीज जैसे मस्कट हो गई और किकर हो गया हाँ और पीपल हो गया और इस टाइप की प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हमने पंजाब को 3 जोन्स में तकसीम की है, और उसके ऊपर जो हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, मैं तो बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने महकमे से हट के मैं एक बात करूंगा कि ये जो हमारा सॉल्ट माइंस हैं खेवड़ा, बिल्कुल अगर इसको हम थोड़ा सा लुक आफ्टर मजीद बेहतर अंदाज में करें तो पाकिस्तान को एक जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं, खेवड़ा हमारा सॉल्ट माइंस, गो के वो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है बिल्कुल बट ये मैं जनरल बात कर रहा हूं कि देखें, अब जैसे इंडिया को एक प्लस पॉइंट है कि ताजमहल उनका आता है, हाँ या एक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आता है, हाँ या आईफल टार पेरिस का पेरिस वो आता का है, या सैन फ्रांसिस्को वाला सनसेट ब्रिज आता है, बिल्कुल तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाएगा। इस पे हमारी फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो करे, और ये जो खेड़ा सॉल्ट माइंस हैं ये 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आएगा इंशाल्लाह, और इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि पाकिस्तान के टूरिज्म में अपग्रेडेशन होगी और प्रमोशन होगी। बहुत खूब सर, आपके आइडियाज़, आपके आगे के फ्यूचर प्लान सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, और ये उम्मीद जागी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीटीआई के आखिरी जो दौर होगा, पीटीआई का जो हुकूमत का एंड होगा, वाइंड अप होगा, उसके बाद हमें एक नया पाकिस्तान लाजमी देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, और देखते रहें हमारा प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह ओनली ऑन TV Today। अल्लाह हाफिज़।